दोस्तों मारुति की एक ऐसी कार है जिसने उसे मार्केट का बादशाह बनाया हुआ है आज तक। ये उस सेगमेंट की कार है जिसे हमारी पब्लिक पसंद करती है, जो मिड वर्ग से टू व्हीलर से अपग्रेड करती है फोर व्हीलर में जाकर। तो दोस्तों इस बारे में बात करें, इससे पहले आपको नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी टेक्नोलॉजी चैनल एपी टेक्निकल गुरु पर, जिस पर हम दोस्तों जैसा आप जानते हैं डेली लाते हैं लेटेस्ट ऑटो न्यूज़ और ट्रेंडिंग गैजेट रिव्यू के साथ देश दुनिया के मुख्य गतिविधियों के मुख्य समाचार भी। तो फ्रेंड्स जुड़ें इस मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ, इसे सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स मारुति ने आप जानते हैं आज भी कार मार्केट में आधे से ज़्यादा शेयर प्राप्त किया हुआ है, यानी जहां सारे ब्रांड एक तरफ हैं वहीं मारुति ऐसी अकेली ब्रांड है जो मार्केट में अपना परचम आज तक फहरा रही है आधे से ज़्यादा पर। और इसका कुछ कारण भी है जैसा आप जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि गुड माइलेज प्लस बेस कस्टमर की पसंद होना, इसीलिए इसने मार्केट को कैप्चर कर रखा आज तक। वैसे मारुति में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है जहां स्टार्टिंग पॉइंट के कस्टमर होते हैं। और इसमें ऐसी कुछ खूबी ज़रूर है जो इसका वेरिएंट है, जिसके कारण वो आज भी मारुति की रीढ़ बनी हुई है और जिसने आज भी मार्केट में मारुति की धमक जमा रखी है। आप दोस्तों देखिए, जहाँ इंडियन कंज्यूमर जो मिड वर्ग से आता है वो सबसे पहले जब अपनी फर्स्ट कार लेने की तरफ चलता है तो क्या उसके माइंड में होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अधिकतर टू व्हीलर से फोर व्हीलर की तरफ अपग्रेड कर रहा होता है। तो उसके दिमाग में यही होता है कि ऐसी फैमिली कार लेनी है जो कुछ खूबसूरत भी हो और जिसमें मुख्य सभी फीचर्स मिल जाएँ, प्लस उसका माइलेज अच्छा तो हो ही, प्लस आफ्टर सेल सर्विस भी हमें अच्छी मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन जो इंडियन कंज्यूमर के माइंड में होते हैं जो मिड वर्ग से जाता है, क्योंकि माइलेज डिज़ाइन और मेन आवश्यकताएं ज़रूरी हैं कि उस मॉडल में पूरी हो जाएं। और बहुत कुछ ये सोचते हुए ही वह कार ख़रीदने की हिम्मत करता है, अपने बजट की तरफ देखता है और अपने बजट के अनुसार ही गाड़ी ख़रीदने की सोचता है। ऐसा अधिकतर मिड वर्ग वाला कस्टमर कभी नहीं चाहता है कि वो गाड़ी खरीद ले काफ़ी एक्सपेंसिव और उस पर कर्ज हो जाए और बाद में वो ईएमआई भरता रहे उसका। वो चाहता है जो उसका बजट है उसी में फाइनल हो जाए, बाद में कोई टेंशन ना रहे। तो दोस्तों ऐसी गाड़ी है इसकी मारुति की जो है आप जानते हैं, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 2.53 से और आगे जाता है 3.8। तो फ्रेंड्स अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से बात करें या बेस स्टार्ट होता है, प्राइस है उसका 2.53 से, जो आती है मारुति की 800 एसटीडी पेट्रोल। और अगर ड्राइवर एयरबैग्स जाइए तो थोड़ा सा और ऊपर जाना होगा, 259 में 800 एसटीडी आती है ऑप्शनल पेट्रोल। इसके बाद में नेक्स्ट अपग्रेडेड मॉडल है ऑल्टो का ही 800 एलएक्सआई पेट्रोल, जो 3.11 लाख में है। फ्रंट में पावर विंडो मिल जाती हैं, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, यानी कुछ और फीचर्स बढ़ जाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ जाएं तो फ्रेंड्स इसकी आती है 317 में आ रही है नेक्स्ट ऑल्टो एलेक्साई ऑप्शनल पेट्रोल। और फिर कुछ और फीचर्स इंटीग्रेटेड किए जाएं तो फिर आती है नेक्स्ट इसकी 800 VXI। इसके बाद अगर नेक्स्ट मॉडल देखें तो काफ़ी अच्छा मॉडल आ जाता है जो VXI में है 800 का ही, ये आता है 3.36 लाख में। इसमें आपको ड्राइवर एयरबैग्स, फ्रंट फॉग लैंप्स और फुल व्हील कवर्स मिलते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों सीएनजी की, इसके दो सीएनजी वेरिएंट्स भी आपको मिलेंगे जो एलएक्सआई में ही है, 800 एलएक्सआई सीएनजी प्लस पेट्रोल है, फुल व्हील कवर मिलते हैं, रिमोटलेस एंट्री है। और नेक्स्ट एक आता है 800 एलएक्सआई सीएनजी ऑप्शनल, जो 380 में है, इसका लास्ट प्राइस है, मैंने आपको एक्स शोरूम प्राइस बताया है दोस्तों। तो सीएनजी प्लस पेट्रोल में भी इसका वर्जन आता है, तो जिसमें आपको ड्राइवर एयरबैग्स और स्मार्ट स्टार्ट, रियर व्यू मिरर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। मेन बात करते हैं तो लगभग इसमें सभी में 796 सीसी का इंजन है, माइलेज है 24/7 की, यानी 24 किलोमीटर के आसपास माइलेज देता ही है। और ट्रांसमिशन मैनुअल मिलती है, ऑटोमेटिक का इसमें अभी तक कोई वर्जन नहीं आया है 800 के अंदर। फ्यूल सिस्टम केवल पेट्रोल का, यानी डीजल का इसका कोई वर्जन नहीं आता है। बूट स्पेस है 177 लीटर का। और फ्रेंड्स पावर 48 BHP की जनरेट करता है, टॉर्क है 69 Nm का। इसके अलावा नंबर ऑफ सिलेंडर हैं 3, गियर बॉक्स है 5 स्पीड, वेट है 695 kg। और फीचर्स इसमें बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप
प्राइस एक्सटेंड करते जाएंगे। दोस्तों ये थी मारुति की बेस लेवल की वो कार जिसने मारुति का पूरे मार्केट में आज तक कैप्चर करा रखा है। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।